हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम। और चलिए हम चलते हैं आज एक नए टॉपिक की तरफ। जैसा कि हमने कल आपको पढ़ाया था, ठीक है, वो बेस लेवल था। और आज चलते हैं हम सवाल की तरफ। क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट का डाटा, यानी कि सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण। आपको यहाँ देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट का डाटा यानी कि सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण। तो वीडियो में दोस्तों आप बने रहिएगा और बहुत ही मज़ेदार आज होने वाला है। आप एक बार लिखेंगे आपको पक्का 100% करने की सोच में आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं, न शक है, ठीक है। अच्छा हाँ, और आप यदि मेरे इस चैनल पे मेरे भाई नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर तो ज़रूर करिएगा, लाइक तो बनता है यार, ठीक है। तो चलिए, और यहाँ मेरे मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न पहला क्या है, अंग्रेजी की परीक्षा में 25 विद्यार्थियों के 50 अंकों में प्राप्तांक निम्न है, ठीक है। अंग्रेजी के परीक्षा में 25 विद्यार्थियों यानी कि परीक्षार्थी, आप ये कह सकते हैं, 50 अंकों में प्राप्तांक निम्न है, 10-10 अंकों का वर्ग अंतराल लेकर टेली मार्क वार्ता सारणी तैयार करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल लेंगे, ठीक है, वर्ग अंतराल वर्ग अंतराल हो गया दोस्तों, और जैसे लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वर्ग अंतराल, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है दोस्तों, टैली मार्क क्या है, टैली मार्क। और तीसरा क्या होता है दोस्तों आपका, बारंबारता क्या हो जाएगा, बारंबारता किसका बारंबारता, विद्यार्थियों का। और नहीं तो आप कहेंगे कि सर जी विद्यार्थियों का मतलब बारंबारता किसका, विद्यार्थियों का, विद्यार्थियों का बारंबारता, ठीक है, ये आपका बन गया, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इस सवाल में कहा क्या है, इस सवाल में ये कम पड़ जाएगा, रुकिए और ले लेते हैं, ठीक है। इस सवाल में ये कहा क्या है कि इस सवाल में ये कहा है, 10-10 अंकों का वर्ग अंतराल, अंतराल माने अंतर, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले कहाँ से लेंगे दोस्तों, जीरो से क्या करेंगे, 10 कहाँ तक लेना है, 50 तक, ठीक है। फिर 10 से हो गया दोस्तों 20, 20 से 40, 40 से 50, फिर 50 से 60, ठीक है, 40 से 50, ठीक, ये 50 तक ही दिया था। अब हम करेंगे क्या दोस्तों, 0 से 10 तक में हमें ये देखना है कितने संख्या है, क्या देखना है दोस्तों, 0 से 10 तक में कितने संख्या देखना है। तो यहाँ पे जैसा ये संख्या लिखा हुआ दिखाई दिया है, ठीक है। अच्छा 40 से 50 तक, और यहाँ पे हमने 50 इसलिए लिख दिया दोस्तों क्योंकि यहाँ पे 48 यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही इस प्रश्न में है, और नहीं होता तो मैं 50 तक नहीं 45 तक जाता, ठीक है, या यहाँ पे 40 होता है तो मैं 45 तक जाता, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है। तो सबसे पहले हम चलिए इसको सरल करते हैं, ये क्या है आपका 0 से 10 तक, तो 0 से 10 तक में आपको ये ढूंढना है कि कितने संख्या है आपका, 0 से यानी कि ये है ज़्यादा है 5 है, 10 से कम, देखिए इस संख्या से ये जो संख्या है इससे इसके बराबर होगा चलेगा, इससे न तो कम होना चाहिए और इस संख्या से के बराबर नहीं होना चाहिए, इससे कम रहेगा चलेगा, ठीक है, इसके बराबर रहेगा चलेगा, लेकिन इसके बराबर रहेगा नहीं चलेगा, इससे हमेशा कम रहेगा और इससे भी कम नहीं रहेगा, इसके बराबर रहेगा। तो 0 से क्या बराबर हो सकता है, ठीक है, 5 हो गया, एक संख्या हो गई दोस्तों, 2 हो गया,
दो संख्या हो गया, ठीक है। दो के बाद क्या आ गया आपका, तीन हो गया। यानी कि दोस्तों कितनी संख्याएं हो गई, तीन संख्या। पहला क्या हो गया, पांच, तीन, फिर छह। दस के अंतराल में है, दस के अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, एक दो तीन, ठीक है। टैली मार्क्स के लिए जैसा कि हमें, मैं आपको बता दूं, एक दो तीन चार है, ये एरो जब लग गया यहाँ पे, इसका ऐसा जब ये लग गया तो क्या हो गया, टैली मार्क, ठीक है। पांच पे ये क्या होता है, टैली मार्क लगता है, और उसके पहले नहीं लगता है। तो चलिए वीडियो में बन रही है मेरे प्यारे साथियों। अभी हो गया थ्री हो गया, ठीक है। अच्छा थ्री आपका हो गया, अब क्या करेंगे, ढूंढना है दोस्तों 10 से 20 के अंतराल में कितनी संख्याएं आती हैं। तो 10 से क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 के बाद तो 15 हो गया, ठीक है। 15 के बाद 18, फिर आपका हो जाएगा 14 भी आते हैं। 10 के बाद ही आपको ढूंढना है, और इधर उधर नहीं, उससे कम ना ज़्यादा, ठीक। 10 से 20 के अंतराल में, ठीक है। आपका यहाँ पर 14 हो गया, ठीक। आपका 19 देखते रहेगा ध्यान से, 14 हो गया, फिर क्या हो गया, 10 के से ज़्यादा ये भी हो गया। तो यानी कि कितनी संख्या है दोस्तों, फिर से देखते हैं, 15 10 से ज़्यादा है, फिर 18 भी 10 से ज़्यादा है, 14 भी ज़्यादा है, इसके बीच में तो और सब 20 से भी ज़्यादा है सब, ठीक है। और ये 19 हो गया आपका, यहाँ पे 14 हो गया, फिर ये 12 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6, तो हम करेंगे क्या साथियों, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, ये टैली मार्क्स हो गया ना, टैली मार्क हो गया। अब यहाँ पे 6 है, तो 1 को हम अलग लिख देंगे, ठीक है। अच्छा टैली मार्क में ये 3 है, तो यहाँ पे बारंबारता में आप यहाँ पे लिखते चलिएगा, ठीक है, इसको ना भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। ये 6 है, तो यहाँ पे हम 6 को लिख दिए, ठीक। अच्छा और आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये तो हो गया 2 का हो गया, ठीक है, इसको इरेज करिए, नहीं तो आप भी कन्फ्यूजन में हो जाएंगे। 20 से 30 क्या हो गया दोस्तों, 20 से लेकर के 30 के अंतराल, यानी कि अब देखना है 20 से ज़्यादा क्या है, 20 ज़्यादा हो गया 22 है, 30 के अंदर है, ठीक है। फिर 23 हो गया, 28 हो गया दोस्तों, फिर आपका क्या हो गया, 21 हो गया, ठीक है। आपका यहाँ पे हो गया 24 28 हो गया, 20 से ज़्यादा है, 30 के अंतराल में है, 20 भी हो गया, ठीक है, 22 हो गया, ठीक। अब इधर तो नहीं है, देखिए 15 सब तो इससे कम है, 20 से ज़्यादा 22 है, 23 है हो गया, 28 है, 30 के अंतराल में है, ठीक है, 21 हो गया आपको, ये इधर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर 28 हो गया, 24 हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे 20 हो गया, 20 है, यानी कि हम क्या कहते हैं, इसके बराबर हो लेकिन इससे कम ना हो, इससे ज़्यादा होगा चलेगा, लेकिन 30 के अंतराल में, तो क्या 30 के अंतराल में इधर नहीं है सब, ये भी है 22, तो यानी कि दोस्तों इसका 20 से 30 में क्या हो गया, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8। तो हम करेंगे क्या साथियों, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 8 हुए, तो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 3 8, यहाँ पे हम साथियों क्या लिख देंगे, 8, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं साथियों 30 से लेकर 40 तक, ठीक है। 30 से अब ये 30 हो गया, एक ये खुद ही हो गया, आप 40 इसको ढूंढना है। 30 के बाद से क्या है दोस्तों, आपका यहाँ पर 36 हो गया, 40 का अंतराल है, 35 हो गया, ठीक, आपका हो गया 33 हो गया, ठीक है, 30 हो गया, ये 40 के बाद है, ठीक है, 40 से ज़्यादा है, तो 30 एक हो गया। फिर यहाँ पे 30 के बाद यहाँ पे और कोई संख्या 40 से जो कम हो, फिर यहाँ पे ये नहीं दिख रहा, ठीक है, 42 होता है, ये सब तो ज़्यादा है, 42 ज़्यादा है, तो फिर ये क्या हो गया, इस प्रकार से 33 30 है, फिर ये क्या हो गया आपका, ये 43, ये सब तो कम है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना हो गया साथियों, 1 2 3 4 5, आपका यहाँ पे हो गया 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो यानी कि आपका यहाँ क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे 40 से 50, इसको हम इरेज कर देंगे, 40 से क्या देखना है साथियों, 50 देखना है 40 से, तो 40 के बाद का संख्या कौन है, 40 40 42, एक हो गया, ठीक है। अब आपका यहाँ पे हो गया 50 से कम है, 2 हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया आपका,
तीन हो गया, ठीक है। एक अब ये तो है नहीं, एक दो तीन संख्या हो गया, यानी कि हम यहाँ पे करेंगे एक दो तीन। अच्छा यहीं पे दो ठो और होता, टेढ़ी मार के एक दो और होता तो ये क्या होता, कट जाता है। जैसे ये है, अब यहाँ पे क्या हो गया साथियों, तीन। चलिए इसको हम ऐड करते हैं कि देखिए इस 25 विद्यार्थियों के बराबर आता ही नहीं, यदि आ जाएगा तो सवाल सही। चलिए देखते हैं ये क्या हो गया, 5 3 8 8 8 16, 16 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 3 19, 19 और 6 कितना हो जाएगा 25, यानी कि आपका विद्यार्थियों का बारंबारता कितना हो गया 25 आपका हो गया उत्तर, ठीक है। इस प्रकार से है, तो चलिए अब इतने बन में तो दोस्तों ये जो नेक्स्ट सवाल है आएगा नहीं, तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं और ये लगाते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग कर भी लिए होंगे, तो चलिए अच्छा अब इसमें क्या दिया दोस्तों, 40 खेतों की प्रति हेक्टेयर, 40 खेतों की प्रति हेक्टेयर उपज क्विंटल में नीचे दी गई है, 5 का वर्ग अंतराल लेकर, कितने का साथियों, 5 का वर्ग अंतराल लेकर बारंबारता एवं संचयी बारंबारता सारणी बनाओ, ठीक है। अब यहाँ पे ये संख्या देखना है कि जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या है, 15 10 से बाद ही हैं, तो ऐसी संख्या नहीं है कि यहाँ पे दिया होगा, 5 का अंतराल यानी कि 5 से नहीं, 5 का अंतराल देखना है, तो ऐसी आपको यहाँ पे संख्या दिख रहा है 10 नहीं दिख रहा है, यानी कि सब 10 के बाद ही है। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग यहाँ से वर्ग अंतराल ये हो गया आपका, फिर यहाँ से क्या हो गया वर्ग अंतराल। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, टैली मार्क, ये टैली मार्क। तीसरा क्या लिखेंगे दोस्तों, बारंबारता, बारंबारता। अच्छा और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे साथियों, संचयी, क्या पूछा है इसमें, संचयी बारंबारता साड़ी बनाओ, तो संचयी बारंबारता, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा साथियों, ये हो गया। अच्छा अब इसमें क्या हो जाएगा, एक दो तीन, एक दो तीन चार, ठीक है, इसको हम ऐसे बना लेंगे, ठीक। अब इसको भी हम पूरा कर लेंगे साथियों, ये इस तरीके से हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये आप इसको थोड़ा यहाँ ले लीजिएगा ये, ठीक। और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, से कम, ये हो गया आपका। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, से ज़्यादा, ये से कम है ये से ज़्यादा है, दिख नहीं रहा होगा बोले, लेकिन आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। हम क्या निकालेंगे, वर्ग अंतराल, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि सब जो संख्या है ये 10 के बाद ही है, तो हम लेते हैं साथियों कहाँ से लें, 10 से लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 से 15, फिर 15 से 20, ध्यान दीजिएगा मैं 5-5 का अंतराल ले रहा हूँ, ठीक है, फिर 20 से 25, फिर 25 से साथियों 30, 30 से 35, 35 से क्या हो जाएगा 40, 40 से 45, 45 से 50। अब आप यहाँ पे कहिए सर आपने यहाँ पे 50 क्यों लिया साथियों, यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कि लास्ट संख्या कितना है 45 है, तो यदि हम 45 ले ही लेंगे तो इसको ये क्या पूछा है अंतराल, तो अंतराल हम कैसे आपको बता पाएंगे, है कि नहीं समझ आ रहा है। चलिए आप सबसे पहले हम इसको निकालते हैं 10 से 15,
टेली मार निकालते हैं, फिर वारंबारता निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। टेली मार इसको इस तरीके से कर लीजिए, अच्छा लगेगा, ताकि ये ठीक ऐसे ठीक। तो 10 से 15 के अंतराल में हम देखेंगे कि कितनी संख्या है। तो 10 से 15 के अंतराल में हमको देखना है, 10 के 15 के अंतराल में मान लीजिए कि तो 23 हो जा रहा है, आपका आधा है, फिर 10 11 हो गया, एक हो गया, ठीक है। अब 15 के अंतराल में हमको देखना है, 11 हो गया एक, फिर इधर आपको देखना है 12, और इधर तो ऐसी संख्या नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो कितना हो गया, दो संख्या है, कितना टेली मार्क में हम क्या लिखेंगे, दो, और यहाँ पे 12 बर्ता में दो, क्लियर हो गया। अब चलिए, अब हमें देखना है क्या, हमें क्या देखना है दोस्तों, 15 से 20। तो 15 से ज़्यादा कौन है दोस्तों, 15 से 20 में तो सबसे पहले आ गया 18, ये 15 ज़्यादा है, 16 हो गया आपका, ठीक है। 20 के अंतराल में देखना है, ठीक है। अब 18 हो गया, फिर 15 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 17 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे इधर 16 हो गया, 20 के अंतराल है, 12 हो गया इधर आपका, ठीक है। 12 हो गया, फिर इधर 12, 18 हो गया, ठीक है। 15 से यानी कि ये संख्याएं ज़्यादा है, तो हो गया, फिर से हम देख लेते हैं, 18 हो गया एक, 16, फिर इस संख्या में भी 20 ज़्यादा है, फिर 18 यानी कि 2 1 3, फिर 1 4, ये तो 15 से कम है, इसको नहीं लेंगे। फिर यहाँ 17 हो गया आपका, फिर सब ज़्यादा संख्या है, फिर देखिए 45 18, फिर 16 फिर है, इसके अंतराल है 12 है इधर, ठीक है। 20 तो लेना ही है, क्योंकि 20 का तो है ही है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या लेना है, अब 18 हो गया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, हम क्या करेंगे साथियों, 1 2 3 4, वहाँ देखिए हम पहली बार कर दिए, अब 8 है तो 1 2 3, यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, 8 लिख दिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया, ठीक है। चलिए ये हो गया, अब हमें देखना है साथियों कि 20 से 25 तक, तो 20 से 25 के अंतराल में, तो 20 तो ये खुद ही हो गया आपको, जैसा कि हमने बार बार ये बताया है कि 20 रहेगा तो 20 रहेगा, लेकिन 20 से कम ना हो, इससे ज़्यादा हो, 25 के अंदर हो। और यहाँ पे मान लीजिए कि 24 पे रहेगा, फिर भी वो ले लिया जाएगा, ठीक है, लेकिन 25 ना एग्जैक्ट ना हो, ठीक है। आपका हो गया 20 हो गया, 20 से ज़्यादा वाले चलेंगे, तो फिर क्या हो गया, 20 से 25 तो क्या है, ये 25 वाला नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 ये चलेगा, 23 चलेगा, 26 नहीं चलेगा, ठीक है। आपका ये 25 भी है, ये 22 से चलेगा, 24 देखिए आपको हमने बताया था ना कि 24 रहेगा फिर भी चलेगा, ठीक है। 20 यहाँ पे है फिर भी चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 20 से ज़्यादा या कम, 20 के बराबर, तो 20 के में तो ये 1 हो गया, ठीक है। अब ये देखिएगा 20 ये हो गया, फिर यहाँ पे 23 26 ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर से देख लेते हैं, 20 ये हो गया, फिर 23 हो गया, ठीक है, फिर 20 हो गया इधर, तो 30 हो गया, 25 हो गया, ठीक है, 22 हो गया, 24 हो गया, 24 तक चलेगा, ठीक है। 45 इधर, ये इधर, ये नहीं होगा, ठीक है। 27 इससे ज़्यादा हो गया 25 से, अब इधर 45 35, 20 से 23, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम क्या करेंगे साथियों, 1 2 3 4 ये हो गया, 5 हो गया। अब करेंगे 1 2 3 4, और यदि यहाँ पे 5 होता तो ये भी क्या हो जाता है दोस्तों, टेली मार्क होता है, ठीक, टेली मार्क हो जाता। अब क्या हो जाएगा साथियों, 9 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। चलिए आप इसको इरेज कर दीजिए, नहीं तो सावधानी हटी पूरी सब्जी बटी, ठीक है, ये यानी कि आपका गड़बड़ हो सकता है कहने पर दोस्तों। अब चलिए 25 से 30 वाले में हमें देखना है, तो 25 तो खुद ही हो गया, एक हो गया, 25 के बाद क्या देखना है, फिर 26, 30 के अंतराल में होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, फिर क्या हो गया, ये हो गया, 30 नहीं होगा, ठीक है। अब क्या हो गया, 28 तो होगा ही होगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया दोस्तों, फिर आपका 28 हो गया, 27 हो गया, ठीक है, ठीक, 27 हो गया, और इधर 28 हो गया, क्योंकि ये 30 के अंदर है, ठीक। आपके क्या हो जाएगा, 26 भी हो जाएगा इधर,
और इधर ही नहीं होगा, तो कितना हो गया ए 25, फिर से देख लेते हैं ए 25, फिर क्या हो जाएगा 26, फिर 25, फिर इधर ए 24 तो कम है इससे, 28 हो गया आपका दोस्तों, फिर क्या हो गया 28 27, फिर इधर ज़्यादा है और कम है, ठीक है, और बराबर भी है तो बराबर का तो हम लेंगे नहीं, वैसे भी 28 हो गया, फिर इधर क्या हो गया 20, 20 को लेंगे इससे कम है, 32 हो गया, 26, यानी कि 30 के अंतराल में, तो हम सीधे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तो कितने हो गए साथियों 8, यानी कि 1 2 3 4 5 कर दिए, 1 2 3 यानी कि कितना हो गया साथियों 8 हो गया, ठीक है, अब ये 8 हो गया, फिर से इसको हम इरेज कर देते हैं, चलिए फिर से आप देखना है, अब चलिए हमको देखना है यहाँ पे कि 30 से 35, तो 30 तो फिर यहाँ पे 1 हो गया, 30 हो गया, ठीक है, 30 हो गया, अब 30 के बाद से हमें देखना है 30 के बाद फिर 2 हो गया 30, ठीक है, अब इससे तो कम है, फिर यहाँ पे 30 कितना का है यानी कि 45 ज़्यादा है, यहाँ पर हो गया 30, ठीक है, फिर यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों 30 हो गया 30 से ना, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 30 30, ठीक, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा साथियों 30 से 35 तो लेंगे नहीं हम, ठीक है, 35, फिर यहाँ क्या हो जाएगा 32, ठीक है, 30 से कितना हो जाएगा 35, ये तो ठीक है, देखिए अब ये क्या होगा 1, फिर जाएगा 30 से ज़्यादा, फिर 2 हो गया, फिर इधर 3 4, ठीक है, 5 6 6 हो गया, 35 तो होगा नहीं, 6 और 1 7 इधर तो होगा नहीं 7, यानी कि 1 2 यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 1 2 यानी कि साथियों यहाँ पे 7 हो गया, ठीक है, अच्छा ये 7 हो गया, चलिए अब हमें देखना क्या है, हमें देखना ये है कि 35 से 40, ठीक है, 35 कहाँ है, तो फिर 35 इस लाइन में है, 35 इस लाइन में नहीं है, ठीक है, आप भी देख रहे हैं इस लाइन में 35 नहीं है, अब नीचे वाले में देखते हैं कि 35 से 40 देखना है, 35 के बाद भी देख लेना है, अच्छा 35 के बाद वाला है, 35 के बाद वाला भी नहीं है, अब यहाँ देखना है कि 35 35 एक हो गया, ठीक है, अब 40 फिर यानी कि केवल 35 से 40 30 कम है तो 35 से 2 हो गया 35, ठीक है, 40 का अंतराल, फिर आपका हो गया इधर, ये इधर नहीं है, ठीक है, 35 35 तो 35 माने कि 2 ही है, 1 और 2 यानी साथ हम क्या करेंगे 1 और 2 2 हो गया आपका, ठीक है, अब इधर देखिए 35 40, फिर 40 से 45 को देखना है, 40 से 45 यानी कि इस लाइन देखिए 40 बिल्कुल नहीं 40, ठीक है, इस लाइन देखिए 45 तो हम वैसे भी नहीं लेंगे क्योंकि उसके अंदर में पूछा है, तो 40 एक हो गया, ठीक है, और यहाँ 42 हो गया, ठीक है, 45 को लेंगे नहीं, फिर ये आपका हो गया 40 यानी कि 2 40 है, ठीक है, और उसके बाद का कोई संख्या नहीं है, तो ये साथियों क्या हो गया 1 2 यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2, ठीक है, अब चलिए हमें देखना है 45 से 50 यानी कि 50 के अंतराल में, ठीक है, तो 45 आपका हो जाएगा, इस लाइन देखिए 45 है नहीं, यहाँ है 45 एक हो गया, फिर 45 के बाद से तो फिर 2 हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो गया 48 है नहीं, यानी कि सबसे रहस्य क्या था 45 एक और 2 यहाँ पे क्या हो गया साथियों 2, ठीक है, और यहाँ पे 2 हो गया, तो हमें देखना है कि 40 यहाँ तक नहीं, ठीक है, 8 2 10, ठीक है, 8 2 10 हो गया ये, अभी इसको हम जोड़ रहे हैं और इसको भी धीरे जोड़ रहे हैं, 8 2 10 फिर 8 2 10, ठीक है, 10 10 20 हो गया, देखिए 8 2 10 हो गया, ये हो गया, फिर 8 2 10 ये हम इसको जोड़ लिए, फिर 10 हो गया 20 हो गया, 20 और 9 29, 20 9 कितना हो गया साथियों 29, और 29 2 आपका कितना हो जाएगा, फिर से हम वीडियो में बने रहिए, 2 2 4 2 6
और साल कितना हो गया 13। तो चलिए दोस्तों अभी ये सब 12 बार तक कितना हो गया सब मिला के 40 हो गया। तो चलिए से कम वाले में हम क्या सबसे पहले लिखेंगे, तो से कम वाले में जो ज़्यादा है पहले उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे 15, इसके सामने 15 हो जाएगा आपका, ठीक है। अभी क्या हो गया 20, ठीक से कम वाले में। अब यहाँ क्या हो जाएगा 30, ठीक है साथियों 30 हो गया। अब आपका यहाँ पे हो जाएगा 30 के बाद फिर हो जाएगा 35, फिर यहाँ पे हो जाएगा 40, ये फिर 45, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से देख लेते हैं 15 हो गया। चलिए दोस्तों ये इस तरीके से होगा, ठीक है 15 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, फिर 5 का अंतराल लेंगे 25, फिर क्या हो जाएगा 30, 35, 40, 45, ये क्या हो गया 50, ये हो गया। अब इसको हम इस तरफ से ज़्यादा वाले में लिखेंगे, क्या लिखेंगे 10, इसके सामने 10 लिखेंगे, फिर क्या हो गया 15, फिर क्या लिखेंगे 20, इसके ठीक सामने 20, फिर क्या हो जाएगा साथियों 25, इसके सामने 25 हो गया। अब इसके सामने क्या हो जाएगा 30, इसके सामने 35, ये हो जाएगा 40, और ये क्या हो जाएगा साथियों 45, ठीक है। अब इसमें ये पूछा क्या है कि से कम वाले में, तो से कम वाले में हम क्या करेंगे, यदि 15 से कम वाले में देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2। आप चाहें तो इस सारणी में से आप निकालेंगे तो क्या होगा 2 होगा। अब चलिए अब मान लीजिए कि इसमें अब ये क्या कहा है कि 20 से कम, तो 20 से कम में हम क्या करेंगे 8 और 2 10 यहाँ पे हो जाएगा। देखिए सबसे सरल इसमें ढूंढना ढूंढना नहीं है आपको, देखिए हम इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो मतलब हम यहाँ पे 2 लिख दिए। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, 20 से मतलब कि कितने कम है 10 हो गया। अब इससे हम 25 से मतलब कि कम क्या है, तो इसको हम क्या करेंगे 8 2 10 9 19, इसको हम जोड़ते चल रहे हैं। फिर यहाँ तक देखिए हमने जोड़ दिया है, ठीक है इसका। अब चलिए हम देखते हैं 30 वाला, तो देखिए 8 2 10 9 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा साथियों 27, ये भी हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर लिखिए, ठीक है ये भी हो गया, यहाँ तक हो गया। अब चलिए हम इसको मतलब कि 35 वाले देखते हैं कि 35 से कम वाले में अब इसको हम जोड़ेंगे 27 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 34 हो गया, 34, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे 40 हो गया। अब 34 में 2 हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा साथियों 36 हो गया, ठीक है। अब 36 हो गया, यहाँ तक हो गया आपका। फिर 45 में मतलब 36 होगा, 36 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 38 हो गया। अब आप 38 में फिर 2 जोड़ देंगे तो साथियों कितना हो जाएगा 40, यानी कि आपका ये साथियों अब ये क्या था से कम था, यानी कि 15 से कम था ये 2 हो गया, फिर 20 से कम ये इस प्रकार से है, ठीक है। 30 से कम 27, अब इसको यदि यहाँ पे देखेंगे तो ये इतना होगा, ठीक है। फिर 35 से कम क्या 34, अब हम चलते हैं 40 से ज़्यादा, 40 से यदि आप यहाँ पे इस तो यदि यहाँ पे देखिए एक संख्या 10 है तो 10 से ज़्यादा आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40, ठीक है। आप 15 से ज़्यादा क्या मतलब कि क्या है 15 से ज़्यादा, यानी कि हम क्या करेंगे 40 में से जब इसको 2 जब हटा देंगे यदि, अरे आप उस तरीके से देखेंगे फिर भी, लेकिन अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 38, ठीक है। 15 से ज़्यादा क्या होगा 38 होगा। अब फिर क्या होगा ये क्या कह रहा है 20 से ज़्यादा, तो ये क्या हो जाएगा अब 20 में से हम क्या कर देंगे अब 38 में से हम क्या करेंगे 8 जब कटाएंगे तो यहाँ पे क्या ना हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा, ठीक है ये भी हो गया। अब 25 से ज़्यादा यदि वो पूछ दिया तो क्या करेंगे 30 में से जो हम 9 को जब निकालेंगे, या तो आप उसमें हम वहाँ पे कर लीजिएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए 30 से ज़्यादा क्या हो जाएगा, अब 21 में से जब हम 8 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों
21 में से हम 8 निकाल दिए तो कितना हो गया, 3 यहाँ हो गया, ठीक है, यहाँ 13, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 13, ठीक। और यहाँ पे ये हो गया 8 हो गया। अब चलिए हम निकालते हैं इसको 7। अब 13 में से जब 7 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 35 से ज़्यादा 6 है। अब 40 से ज़्यादा हमें देखना है तो क्या करेंगे, 6 में से 2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 4। यानी कि 40 से ज़्यादा मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। अब यहाँ पर देखिए हमें फिर 35 मतलब कि 45 से ज़्यादा क्या हो जाएंगे, 2, ठीक है। तो आपका ये हो गया। तो आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समय आ गया होगा। तो थैंक यू दोस्तों।